हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास सिक्स एक्सरसाइज 3.4। क्वेश्चन नंबर 4 तक हम कंप्लीट कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन 5 से पहले हमें क्या पढ़ना है? कोप्राइम। कोप्राइम क्या होता है? टू नंबर्स आर कोप्राइम, कोई भी दो नंबर है उनको हम क्या बोल देंगे? कोप्राइम। इफ़ दे हैव नो कॉमन फैक्टर अदर देन वन, अगर उन दोनों नंबर्स में वन के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, ओनली वन उनके अंदर कॉमन फैक्टर होगा, तो हम उसको क्या बोल देंगे? को प्राइम। एक्सरसाइज में देखते हैं क्वेश्चंस में, विच ऑफ द नंबर्स आर को प्राइम, इनमें से बताना है कौन कौन से नंबर्स को प्राइम है। फर्स्ट है हमारे पास 18 एंड 35। 18 और 35 के फैक्टर निकाल लेंगे, फैक्टर्स ऑफ 18। 18 के फैक्टर क्या क्या आएंगे? 1, 2, 3, 6, 9, 18। इसी तरह फैक्टर्स ऑफ 35, फैक्टर 35 के फैक्टर क्या आएंगे? 1, 5, 7, 35। फैक्टर्स आपने पढ़े हैं पिछली क्लास, पिछली मेरी वीडियो में, कि फैक्टर्स क्या होते हैं। 35 के फैक्टर फाइंड करने, इट मीन्स ऐसे डिजिट्स, ऐसे नंबर्स जिन जिन से 35 डिवाइड होता है। तो 1 से भी डिवाइड होता है, 5 से, 7 से एंड 35 से। कॉमन फैक्टर 18 और 35 में देखते हैं हम कॉमन फैक्टर क्या आता है हमारे पास। ओनली क्या है? कॉमन फैक्टर 1, उसके अलावा कोई भी फैक्टर कॉमन नहीं है, तो हमारे पास कॉमन फैक्टर क्या आया? 1। देयरफॉर दे आर को प्राइम नंबर्स, इसीलिए हम क्या बोल देंगे इसको? को प्राइम नंबर्स। हमने पढ़ा था अभी कि ऐसे दो नंबर्स जिनके बीच में कोई कॉमन फैक्टर सिर्फ वन हो, उसके अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होगा, तो हम उसको क्या बोल देंगे? को प्राइम। नेक्स्ट है हमारे पास 15 एंड 37, फैक्टर्स ऑफ 15। 15 के फैक्टर फाइंड करेंगे हम, 1, 3, 5 एंड 15। इसी तरह फैक्टर्स ऑफ 37, 37 के फैक्टर क्या आएंगे? 1 एंड 37, इसके अलावा कोई फैक्टर नहीं है। अब हम क्या फाइंड करें? कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर दोनों में क्या आता है हमारे पास? ओनली 1, सो दे आर को प्राइम नंबर्स। कॉमन फैक्टर 1 है, इसलिए हम क्या बोल देंगे? दोनों नंबर्स को प्राइम है। नेक्स्ट है 30 एंड 415, फैक्टर्स ऑफ 30। 30 के फैक्टर्स हमारे पास क्या है? 1, 2, 3, 5, 6, 15, 10, 30। ये हमारे पास 30 के फैक्टर है। इसी तरह फैक्टर्स ऑफ 415 की, 1 आएगा, 5 आएगा, और भी बहुत सारे फैक्टर्स आएंगे। कॉमन फैक्टर, अब इन दोनों में कॉमन क्या आया हमारे पास? 1 आ गया, और कॉमन क्या आ गया? 5। दोनों में कॉमन है 5, तो हमारे पास 1 भी आ गया और 5 भी आ गया। जब हमारे पास फैक्टर एक से ज्यादा हो गई कॉमन, तो वहीं पे हमारा क्या हो गया है? नॉट ए को प्राइम। उससे आगे हमें निकालने की जरूरत ही नहीं है कि भाई और क्या फैक्टर आएंगे, हमें तो सिर्फ एक, 1 के अलावा कोई भी एक ऐसा फैक्टर मिल जाए जो दोनों में कॉमन है, वहीं पे हमारा क्या हो जाएगा? रिजल्ट्स को प्राइम। सिंस बोथ हैव मोर देन 1 कॉमन फैक्टर, दोनों के एक से ज्यादा कॉमन फैक्टर है, दे आर नॉट ए को प्राइम नंबर्स, इसीलिए हम क्या बोल देंगे कि ये को प्राइम नंबर नहीं है। नेक्स्ट है 17 एंड 68, फैक्टर्स ऑफ 17। 17 के फैक्टर है आपके पास 1 एंड 17। फैक्टर्स ऑफ 68, 68 के फैक्टर्स आए हमारे पास 1, 2, 4, 17, 34, 68। कॉमन फैक्टर दोनों में से कॉमन क्या क्या आया? 1 एंड 17। सिंस बोथ हैव मोर देन 1 फैक्टर है, तो हम क्या बोल देंगे कि एक से ज्यादा फैक्टर है, कॉमन फैक्टर है, इसीलिए हमारे पास ये दोनों नंबर्स क्या होंगे? नॉट ए को प्राइम। नेक्स्ट है 216 एंड 215, फैक्टर्स ऑफ 216। 216 के फैक्टर क्या क्या है आपके पास है? 1, 2, 3, 4, 6, 8, 36, 72, 108 एंड 216। इसी तरह इससे फैक्टर्स ऑफ 215 निकाल लेंगे हम, 1, 5, 43 एंड 215। दोनों में कॉमन फैक्टर देखते हैं क्या है, कॉमन फैक्टर क्या आएगा? 1 है दोनों में कॉमन फैक्टर, और कोई भी नहीं है हमारे पास कॉमन फैक्टर, तो इसीलिए हम क्या बोल देंगे? सिंस दे आर ए को प्राइम नंबर्स, ये दोनों क्या है? को प्राइम
नंबर। नेक्स्ट है 81 एंड 16 फैक्टर्स ऑफ 81। 81 के फैक्टर फाइंड करेंगे। 1, 81 और किसके टेबल में आता है? 3, 9, 27 एंड 81। फैक्टर्स ऑफ 16, 16 के फैक्टर फाइंड करेंगे। 1, 2, 4, 8, 16। दोनों में कॉमन फैक्टर क्या आया? ओनली 1, सिंस दे आर ए कोप्राइम नंबर, इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे? कोप्राइम नंबर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। ए नंबर इज डिविजिबल बाय बोथ 5 एंड 12। कोई एक ऐसा नंबर है जो 5 और 12 दोनों से डिविजिबल है, दोनों से डिवाइड होता है। बाय विच नंबर, विच अदर नंबर विल दैट नंबर बी ऑलवेज डिविजिबल। तो ऐसा कौन सा नंबर है जिससे वो नंबर जरूर से भी जरूर, मीन्स मोस्ट, विल दैट नंबर बी ऑलवेज डिविजिबल, कि वो उससे भी डिविजिबल होगा। अब इन दोनों की मल्टीप्लाई कर देंगे हम, क्योंकि ऐसा नंबर निकालना है जो 5 से भी डिवाइड होगा और 12 से भी, तो दोनों नंबर्स की मल्टीप्लाई कर देंगे। 5 और 12 की मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा? 60। 60 हमारे पास ऐसा नंबर जो 5 से भी डिवाइड होगा और 12 से भी डिवाइड होगा। द नंबर मस्ट बी डिविजिबल बाई 60, वो नंबर हमारे पास क्या होगा? 60। और 60 अदर नंबर से भी डिवाइड होता है, 2 से भी डिवाइड होता है, 4 से भी होता है, 3 से भी होता है, तो क्या बोल देंगे? यस इट इज डिविजिबल बाई अदर नंबर, कि हाँ वो किसी अदर नंबर से भी डिविजिबल होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। ए नंबर इज डिविजिबल बाय 12। कोई नंबर है आपके पास जो डिविजिबल बाय 12 है, जो 12 से डिवाइड होता है। बाय व्हाट अदर नंबर्स विल दैट नंबर बी डिविजिबल, तो वो जो नंबर है वो किससे भी डिवाइड होगा? अदर नंबर किन किन नंबर से जरूर डिवाइड होगा? मोस्ट फैक्टर्स ऑफ 12 निकाल लेंगे हम। 12 के फैक्टर क्या क्या आएंगे? 1, 2, 3, 4, 6, 12। जो नंबर हमारे पास 12 से डिविजिबल होगा वो नंबर हमारे पास 1 से भी होगा, 2 से भी होगा, 3, 4 एंड 6, इन सभी नंबर से भी डिविजिबल होगा। द नंबर आल्सो बी डिविजिबल बाय 1, 2, 3, 4 एंड 6, इन सभी नंबर से भी डिविजिबल होगा। जैसे हम 12 से डिविजिबल ले लेते हैं कि हमारे पास 36 है, 36 हमने ऐसा नंबर ले लिया जो 12 से डिविजिबल है। 36 1 से डिवाइड होता है, 36 2 से भी डिवाइड होता है, 36 को अगर हम 2 से डिवाइड करेंगे क्या आएगा आपके पास से? 18 आ जाएगा, इधर 6 इधर ये 18 आ जाएगा। इसी तरह से 36 को अगर हम 3 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 12 आ गया। 36 को अगर हम 4 से डिवाइड करेंगे क्या आ जाएगा? 4 9 जा 36 एंड 6 से करेंगे तो 6 या 36, और ये नंबर जो 36 है वो 12 से भी डिविजिबल है। तो हम क्या बोल देंगे कि अगर कोई नंबर 12 से डिविजिबल है तो वो नंबर 1, 2, 3, 4 एंड 6 से भी डिविजिबल होगा। इट मीन्स कोई नंबर अगर किसी नंबर से डिविजिबल है तो वो नंबर उसके फैक्टर से भी डिविजिबल होगा। ठीक है, आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे। ओके, थैंक यू।